हमीरपुर में नशे का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते आए दिन बाहरी राज्यों से नशे की खेप भारी मात्रा में हमीरपुर पहुंच रही है। हमीरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हमीरपुर शहर के बीचों बीच 5 किलो चरस बरामद की है। डीएसपी हितेश लखनपाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा किए गए ज्वाइंट ऑपरेशन की कार्रवाई में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और उनके पास से 5 किलो 68 ग्राम चरस की खेप बरामद की है। ये हमीरपुर पुलिस द्वारा आज तक पकड़ी गई चरस की सबसे बड़ी खेप है। एसपी अरजीत सेन ने बताया कि गिरफ्त में आए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये शातिर तस्कर काफी अरसे से शहर में नशे का कारोबार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान अश्विनी कुमार पुत्र सीताराम और विशाल शर्मा के रूप में हुई है। अरजीत सेन ने बताया कि चरस तस्करों में एक अश्विनी कुमार हमीरपुर बाजार में दुकान करता है, जिसके खिलाफ पहले ही विभिन्न धाराओं में 12 मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरा आरोपी विशाल शर्मा गोवा में एक होटल में नौकरी करता है। उन्होंने बताया कि दोनों ही आरोपियों से गहनता से पड़ताल की जा रही है। बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स के समीप अवैध खनन के कारण पहाड़ी दर गई है। इस स्थल पर गुजरे हुए वाहनों के लिए हर वक्त खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी हवा का झोंका चलने पर भी भूस्खलन हो रहा है। आज सुबह ही पहाड़ी दरकने का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि दोपहर में भूस्खलन हुआ है। इतनी भारी मात्रा में सड़क पर मलबा गिर गया कि 3 घंटे शिमला हमीरपुर NH बाधित रहा है। दोपहर करीब 12 बजे से 1 बजे के भीतर फिर भूस्खलन हुआ, जिस कारण आवागमन करने वाली जनता को भी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। मौके पर JCB की सहायता से मलबा हटाकर यातायात को बहाल किया गया है। स्थानीय क्षेत्र की जनता का आरोप है कि राजनीतिक इशारे पर मिलीभगत से अवैध खनन का लंबे अरसे से गोरखधंधा फल फूल रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर लगाम कसने में पूरी तरह नाकाम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर खनन अधिकारी कुमारी बिंदिया का कहना है कि नियमानुसार खनन विभाग चेकिंग करता है, इस क्षेत्र में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। अगर मां की महिमा अरमपम पार है तो भक्तों की भक्ति भी अनोखी है, ऐसा ही एक उदाहरण माता नैना देवी के दरबार में देखने को मिला, जब चंडीगढ़ के गांव मलोहा से एक वयोवृद्ध 110 वर्षीय बाबा पैदल यात्रा करके अपनी संगत के साथ माता के दरबार में पहुंचे। बाबा जी की इस यात्रा के बारे में जानकर मंदिर के पुजारी और यात्री भी हैरान हो गए। बाबा जी का नाम बाबा मंगलगिरी जी महाराज है। पैदल यात्रा में उन्हें 5 दिन का समय श्री नैना देवी जी पहुंचने में लगा। हालांकि पैदल चलने के कारण बाबा जी के पैरों में छाले पड़ गए थे, पट्टी बांध रखी थी, लेकिन उनके साथ आए श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा जी कई बार ऐसी पैदल यात्रा कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफी समय से बाबा जी को कुछ दिखाई भी नहीं देता। इसके बावजूद भी वह श्री नैना देवी जी, बाबा बालकनाथ, ज्योतिषी ज्वाला जी, चामुंडा देवी और वैष्णो देवी तक यात्रा कर चुके हैं। चंडीगढ़ के मलोहा गांव से यहां पहुंचने के लिए उन्हें 5 दिन का समय लगा। उनके साथ आए श्रद्धालुओं का कहना है कि माता की असीम कृपा है, जो इस उम्र में भी उन्हें पैदल यात्रा करने का बल देती है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार बाबा जी के साथ अपनी यात्रा आगे भी जारी रखेंगे। कई साल से पैदल यात्रा करते हैं, जिस तरह की नैना देवी, बाबा बालकनाथ, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, वृंदावन, मणि महेश सब पैदल ही गए। इस बार वृंदावन गए थे जी, कई साल से मतलब जाते लगातार पैदल, हम 5 दिन लगे जाते थे जी, पिंड मलोए थे, नैना देवी पहुँचे थे, 5 दिन सब पहुँचे। हाँ जी, कह
कल चलते हैं बाबा जी की शक्तिगण, महामाई की शक्तिगण, मंगलगिरी महाराज जी, गुरु महाराज। कितने साल की उम्र होगी? 110 साल जी उम्र होगी ना। अल्लाह रे भैया जाने की। जमा दो की सीबीएसई की परीक्षा में नूरपुर पब्लिक स्कूल के छात्र पुष्पदीप ने 98.8 अंक हासिल कर प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। पुष्पदीप ने केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और मैथ में शत प्रतिशत, फिजिक्स में 99 और अंग्रेजी में 95 अंक हासिल किए हैं। पुष्पदीप के पिता बिक्रमजीत सिंह दुकानदार हैं और माता रंजू वाला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। माता पिता को अपनी प्रेरणा मानने वाले पुष्पदीप सिंह कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं। पुष्पदीप ने बताया कि उसने कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ी और ना ही कोई कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी से ही ये मुकाम हासिल किया है। पुष्पदीप को टीवी पर समाचार सुनना और न्यूज़पेपर पढ़ना बेहद पसंद है। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में जेईई मेन में भी बिना किसी कोचिंग के ही पुष्पदीप ने 99% नंबर हासिल किए, जबकि 2017 में पुष्पदीप के 10वीं के साइंस के पेपर की सीबीएसई ने मॉडल आंसर के तौर पर भी अपलोड किया था। यही नहीं, दो साल पहले पुष्पदीप सिंह प्रदेश स्तर पर होने वाले चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का चैंपियन भी रह चुका है। स्कूल के चेयरमैन अरविंदर डोगरा ने बताया कि हमारे स्कूल के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे स्कूल के होनहार छात्र पुष्पदीप सिंह ने पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है।